दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे शाहरुख के सबसे बड़े दोस्त सलमान खान की अगली रिलीज राधे की, जो ईद पर रिलीज़ होगी। तो आइए देखते हैं टीज़र और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल्म का क्लैश किसके साथ हो रहा है। तो देखते हैं टीज़र। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद की रिलीज हमेशा सलमान खान के लिए ही रहती है, लेकिन इस बार लक्ष्मी बोम के साथ अक्षय कुमार अपने स्टारडम को सलमान खान के सुपर स्टारडम के साथ टकरा कर आजमाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद पर सलमान खान के फैंस उनकी पिक्चर को अपने लिए ईदी की तरह मानते हैं और सिंगल स्क्रीन हो और मल्टीप्लेक्स पर जाकर शोज को हाउसफुल करके उनकी फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग देते हैं, जिससे उनकी फिल्म पहले 2 या 3 दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट इजिली निकाल कर हिट हो जाती है। सलमान के फैंस जितने लोयल उनकी फिल्म और उन्हें लेकर हैं होते हैं शायद ही किसी और स्टार के होंगे। लेकिन ये बात जानते हुए भी अक्षय कुमार लक्ष्मी बोम को सलमान खान की राधे फिल्म के साथ रिलीज़ करके कहीं उनकी ओपनिंग को हल्का तो नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको पता है ये फिल्म साउथ की कंचना की रीमेक है और जिसके सीन सबको लगभग जबानी याद होंगे। तो ऐसी स्क्रिप्ट के साथ क्या ये फिल्म सलमान की राधे को चुनौती दे पाएगी, या ये सिर्फ शाहरुख की तरह सलमान खान के सुपर स्टार को चैलेंज करके ख़त्म करने की कोशिश की दूसरी कड़ी है? क्योंकि ईद पर सलमान खान से जल्दी से कोई भी टक्कर लेने नहीं चाहता और ना ही सोच सकता, और लक्ष्मी बोम जैसी फिल्म से कोई ऐसा करना चाहता है तो निश्चित ही वो सिर्फ सलमान खान की फिल्म की ओपनिंग पर असर डालकर उनके स्टारडम को कमज़ोर दिखाना चाहता है, क्योंकि ईद पर उनके फैंस के कारण सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स पर उनका ही हल्ला होता है। दोस्तों अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो आप ईद पर राधे को स्क्रीन पर जाकर देखें और लक्ष्मी बोम को फुस कर दें। अक्षय कुमार गुड न्यूज़ को दबंग 3 के 1 हफ्ते बाद रिलीज करके पहले एक बार क्लैश कर चुके हैं और अब लक्ष्मी बोम को राधे के साथ क्लैश करके कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये क्लैश अक्षय कुमार अपनी फिल्म के कॉन्फिडेंस पर कर रहे हैं या सिर्फ सलमान खान की ओपनिंग को बम्पर ना कर देना इसकी वजह है, या सलमान खान के खिलाफ भी बॉलीवुड में कोई लॉबी तैयार हो रही है? आपको क्या लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सलमान खान के जो भी फैंस हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, और मैं आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा, तो मेरे चैनल को देखते रहें।